गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो इज फॉर क्लास 3 एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर। बेटे, इट इज़ अ रिवीजन वीडियो ऑफ चैप्टर 1, 2, 3, बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन चैप्टर 1, 2, 3 विल कम इन इंग्लिश ग्रामर। ओके बेटे, सो वी विल रिवाइज 3 चैप्टर्स 1 by 1। ओके, सो टेक आउट योर बुक्स एंड बी रेडी, ओपन चैप्टर 1। इन चैप्टर 1 अल्फाबेट fun is given to you। In this chapter we will discuss about alphabet, we will discuss about alphabet order। alphabet तो आप सब जानते हो, class 3 के students हो, आप लोगों ने पढ़े हैं। alphabet होते हैं बेटा A to Z family के जो letters होते हैं उन्हें हम alphabet बोलते हैं। अब alphabetical order क्या होता है, see properly, we find the meaning and pronunciation ऑफ वर्ड्स इन अ बुक कॉल्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमको जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग और प्रोनंसिएशन मिलता है, ठीक है। इन अ डिक्शनरी वर्ड्स आर गिवन इन द ABCD ऑर्डर। वर्ड्स हमको ABCD ऑर्डर में गिवन होते हैं, किसमें बेटा, डिक्शनरी में। दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट फैमिली को A to Z अरेंज करना क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फर्स्ट पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, इस तरीके से अरेंज करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहलाता है। इट मेक्स ईजी टू फाइंड द वर्ड्स एंड दियर मीनिंग। ये क्या होता है, हमें डिक्शनरी में वर्ड्स को अच्छे से फाइंड आउट, जल्दी से फाइंड आउट कर सकें, इसलिए इनको अरेंज किया जाता है। वर्ड्स इन अ डिक्शनरी आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वही मैं आपको बता रही थी कि डिक्शनरी में जो वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज किए हुए होते हैं। व्हेन मोर देन वर्ड, अब हम इसको अरेंज कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। तो देखो, व्हेन मोर देन वन वर्ड स्टार्ट विद द सेम लेटर, ये एक आपको पहले एक एक्सरसाइज है जो आप नॉन हो आप जानते हो, इस एक्सरसाइज को हम लोग पहले कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल अरेंज करना था और इनको नंबर देने थे 1, 2, 3। तो बेटे, अगर वर्ड डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स से स्टार्ट हो रहे हैं तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि पहले ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा। लेकिन अगर व्हेन मोर देन वन वर्ड स्टार्ट विद द सेम लेटर, जैसे कि यहाँ पर पी है, पैरट पी से स्टार्ट हो रहा है, पिजन भी पी से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे होता है तो हम क्या करेंगे, द वर्ड आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बट अरेंज अकॉर्डिंग टू सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड। ये देखो, अरेंज करेंगे लेकिन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सेकेंड लेटर के अकॉर्डिंग। पी यहाँ फर्स्ट लेटर जो है वो सेम है, पी है, सेकेंड लेटर हम देखेंगे यहाँ ए है पैरेट में और पिजन में आई है। तो आप बताओ कौन सा पहले आएगा, ए और आई में से कौन सा फर्स्ट आता है, ए और आई में से नंबर वन क्या है, किसका पहले आता है, ए का आता है, तो अपन ई से फर्स्ट रखेंगे। गॉट इट। अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो हम क्या करेंगे बेटा, सेकेंड लेटर को देखेंगे सेम, जैसे आपको एग्जांपल लैंड, लीड और लोड दिया हुआ है, इनमें फर्स्ट लेटर तीनों में सेम है लेकिन अकॉर्डिंग टू सेकेंड लेटर हमने इसको अरेंज किया है। व्हेन द फर्स्ट टू लेटर्स आर सेम, सेम प्रोसेस है, पहले वन लेटर सेम था, अभी टू लेटर्स सेम है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू द थर्ड डिफरेंट लेटर इन द वर्ड टू फाइंड देम इन डिक्शनरी। हमको क्या करना है, टू लेटर अगर सेम है तो थर्ड लेटर को हमको देखना है। जैसे कि देखो यहाँ पी ई पी ई पी ई पी ई, टू लेटर सेम है तो अपन थर्ड लेटर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे या डिक्शनरी में फाइंड आउट करेंगे। नाउ टर्न द पेज। ये देखिए, आपको एक्सरसाइज मैं पहले करवा चुकी हूँ, अभी एक्सरसाइज डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप एक बार रैंडमली रीड कर लेते हैं फटाफट से कि क्या करना होता है हमको। राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द बॉक्स। ये आपको बॉक्स दिया हुआ है, आपको अल्फाबेटिकल इनके नेम लिखने हैं, तो आप लिख लोगे, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट लेटर हम फाइंड आउट करेंगे और देखते जाएंगे कि पहले कौन सा आता है और ऐसे ही अरेंज करते जाएंगे। इधर है टिक द बॉक्सेस, बी है टिक द बॉक्सेस ऑफ ग्रुप विच आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमें फर्स्ट लेटर चेक करना है, देखेंगे कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है, ठीक है बेटे।
वी हैव डन ऑलरेडी दीज एक्सरसाइज. मेक अ लिस्ट ऑफ 8 थिंग्स यू सी इन स्कूल. आपको स्कूल में जो आप वस्तुएं देखते हो उनकी उनको पहले राइट डाउन करना है और उनको बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. तो यू कैन राइट डाउन बोर्ड, चॉक, क्लासरूम, प्रिंसिपल, है ना, और भी जो भी देखते हो आप, जिस चीज़ को टीचर, जो भी देखते हो उसको. इसमें थिंग्स दिया हुआ है तो थिंग्स में आप पर्सन को इंक्लूड ना करें, सिर्फ वस्तुओं को ही लिखें. प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट को आप इंक्लूड ना करें, केवल आपको थिंग्स लिखना है. जैसे क्लासरूम है, बोर्ड है, बेंचेस हैं, फर्नीचर है, ठीक है, टेबल्स हैं, डस्टबिन है और डस्टर है. इन वर्ड्स को आप इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है बेटे, नेक्स्ट एक्सरसाइज डी ऑन पेज नंबर 7. अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द डिक्शनरी. सेम वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज करनी है, कर दी है आपको. इसमें इसको क्या करना है बेटा, अल्फाबेटिकली अरेंज करना है. ठीक है, हम लोग ये एक्सरसाइज कर चुके हैं. मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग लेटर बिफोर आफ्टर, बिफोर और आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स. इनके आपको पहले और बाद में लेटर अरेंज करना है. ज़रूरी नहीं है कि पहले और बाद में दोनों में आए, किसी में पहले आ सकता है, किसी में बाद में आ सकता है. ठीक है, ये एक्सरसाइज हम कर चुके हैं. मेक अ डिक्शनरी पेज ऑफ फॉलोइंग आइटम्स. बेटे मैंने कुछ नोटबुक चेक करी थी तो आप लोगों ने इसको समझा नहीं क्वेश्चन को अच्छे से, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. फ्रूट्स, राइट नेम ऑफ फ्रूट. आपको 5 फ्रूट्स नेम लिखने हैं और उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है कि जिस ऑर्डर में वो डिक्शनरी में फाइंड आउट होते हैं. तो डिक्शनरी में एक ऑर्डर होता है, अभी रीड किया हम लोगों ने. 5 फ्रूट्स के नेम लिख के आपको उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है. गॉट इट? ओके, नाउ टर्न द पेज. अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बाद अपना आता है सेंटेंस, कि सेंटेंस क्या होते हैं. हम लोग सेंटेंस की डेफिनेशन कई बार रीड कर चुके हैं, आज फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. शब्दों का वह समूह जो कि एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता है जिसका, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. गॉट इट बेटे? रिमेंबर अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर. ये आपको अपने माइंड में रखना है, बार बार आप लोग भूल जाते हो इस चीज़ को. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, हैज़ अ वर्ब एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. सेंटेंस में वर्ब 100% होगी और उसमें फुल स्टॉप आपको एंड में पुट करना है. फुल स्टॉप के अलावा क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क भी आप पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उसमें वही मार्क हम पुट करेंगे. सी ऑन वंडरफुल प्लीजेंट डे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. दीज आर द बॉय हु व्हेन आई वेंट टू मार्क द मार्केट आई लव टू पेंट पिक्चर. व्हाट टू डू इन दिस एक्सरसाइज. आपको इस एक्सरसाइज में बेटे सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर गिवन टू यू, टिक अगेंस्ट दोज आर सेंटेंस. आपको इनमें से टिक करना है कि कौन से सेंटेंस है. तो अकॉर्डिंग टू मी कोई भी इनमें से सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इनमें यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप होना कंपलसरी है. ठीक है, इसलिए कोई भी इसमें सेंटेंस नहीं है. अब देखो, सेंटेंस दैट एंड इन अ फुल स्टॉप आर एजेटिव सेंटेंस. वह सेंटेंस जिनके लास्ट में फुल स्टॉप होता है उन्हें हम एजेटिव सेंटेंस कहते हैं. दे आर स्टेटमेंट, और वो क्या होते हैं बेटा, स्टेटमेंट होते हैं. यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं. ही इज़ अ काइंड पर्सन. ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल. ही इज वेरी हैप्पी टूडे. ये कुछ आपको सेंटेंस दिए हुए हैं. दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स एज दे से और स्टेट समथिंग. ये क्या है बेटे, स्टेटमेंट्स हैं. ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ बात कही जा रही है, कुछ में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है. नाउ एक्सरसाइज बी, मेक एजेटिव सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड. इन ग्रुप ऑफ वर्ड को यूज़ करके आपको एजेटिव सेंटेंस बनाना है. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी डन कर चुके हैं, ये आप लोग कर चुके होंगे. एक्सरसाइज हम लोग रीड डन नहीं करेंगे, इसमें केवल आपको बताएंगे कि क्या इसमें करना होता है. क्वेरीज आपकी शॉर्ट आउट हो जाएंगी इस वीडियो से. सेंटेंस दैट एंड विद क्वेश्चन मार्क आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस. वह सेंटेंस जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस पर ख़त्म हो, सॉरी इंटरोगेटिव मार्क पर ख़त्म होता है,
यानी जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. डू यू वॉन्ट अ कप ऑफ टी, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, वेयर आर यू गोइंग, तो ये सेंटेंस क्या है, इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क है. इन सेंटेंस को हम क्वेश्चंस भी कहते हैं, यानी इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनको हम क्वेश्चन में कहते हैं. और इन सेंटेंस में ऑल दीज आर क्वेश्चंस एज दे आस्क समथिंग, ये सारे क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ पूछा जाता है. अब देखो यहाँ आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है. ठीक है, हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज. नाउ टर्न द ऑन पेज नंबर 10 आपका है अ सेंटेंस विच गिव्स रिक्वेस्ट कमांड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस. इट यूजुअली बिगिंस विद अ वर्ब, दे ऑल्सो एंड विद अ फुल स्टॉप. ये भी फुल स्टॉप पर एंड होते हैं, लेकिन क्या है इनमें कोई ना कोई रिक्वेस्ट कमांड या डायरेक्शन होती है. ठीक है बेटा, जैसे कि स्विच ऑफ द फैन रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कमांड भी हो सकती है. शट द डोर रिक्वेस्ट भी हो सकती है, कमांड हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन. प्लीज सिट डाउन रिक्वेस्ट, दे आर ऑल स्टेटमेंट एज दे मेक रिक्वेस्ट और गिव कमांड. इन ये भी स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन इनमें क्या होती है, रिक्वेस्ट और कमांड होती है. व्हेन इम्परेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव इट बिगिंस विद डू, जब है ना सॉरी डोंट, जब इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है तो ये डोंट से स्टार्ट होता है. जैसे कि डोंट प्ले हियर, डोंट गो देयर, ओके, डोंट लाफ इन द क्लास. ठीक है बेटे, डोंट टच द शार्प थिंग्स. ठीक है, रीड द, अब आपको ये एक्सरसाइज दी हुई है, रीड द सिचुएशंस वेयर, राइट इम्परेटिव सेंटेंस फॉर द गिवन सिचुएशन वन हैज बीन डन फॉर यू. आपको ये हम लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं. नाउ व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर, हाउ ब्यूटीफुल इज द स्काई, व्हाट अ विंड, व्हाट अ सैड स्टोरी. ईच ऑफ द सेंटेंस एंड्स विद अ एक्सक्लेमेशन मार्क. देखो प्रत्येक सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क पे फिनिश हो रहा है. सच सेंटेंस आर नॉन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनको क्या बोलते हैं बेटा हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सोरो एंड सरप्राइज. अचानक जो हमारे मन में फीलिंग आती है सर, उनको एक्सप्रेस करता है, क्या करता है बेटा, कौन सा सेंटेंस करता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. द वर्ड वाओ, हुर्रे, अलास, ओ नो, ब्रेवो, आउच, ओह, हुर्रे, इस तरीके के वर्ड्स यूज किए जाते हैं इनमें. ठीक है, ये देखिए हम एक्सरसाइज डन कर चुके हैं, ये वाले, ये एक्सरसाइज भी हम लोग डन कर चुके हैं. ठीक है बेटे, दिस वन इज ऑल्सो डन. नाउ कम ऑन पेज नंबर 13 चैप्टर 3. इन चैप्टर 3 articles are given to you, a and the. We will read the rules when we where we use a and or the. Okay, ye done kar chuke hain hum. Yahan dekhiye, write b for words begin with vowels and c with c for those beginning with consonant in the given boxes. Aapko vowel aur consonant kya hote hain sabko pata hai, it's not a new thing to you. नई बात नहीं है आपके लिए कि आपको वाउल और कंसोनेंट नहीं पता, सब जानते हैं वाउल और कंसोनेंट क्या होते हैं. तो देखो यहाँ पहले टिक मार्क किया हुआ है, हम लोग कर चुके हैं ये एक्सरसाइज, आप लोगों ने भी कर ली होगी. नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ए का यूज़ हम कहाँ करते हैं. ए इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड. गॉट इट बेटा, वह शब्द जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, यानी इनका प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, उनसे पहले हम ए यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि अ ग्लास, अ कप, अ बैग, एग्जाम्पल्स दी हूँ, अ मैंगो, अ बैड, अ टैब. ठीक है, नाउ पेज नंबर 14, ऑन पेज नंबर 14 नाउ रीड दीज वर्ड्स, इनको रीड करेंगे हम, एन ऑरेंज, एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन एरोप्लेन, एन एग, एन इग्लू. अब ये क्या है, ध्यान से सुनेंगे. एन इज यूज बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वाउल साउंड. वाउल साउंड से जो वर्ड शुरू होते हैं बेटे, उनसे पहले हम क्या यूज करते हैं, एन. डिफरेंस समझ आया, कंसोनेंट साउंड से शुरू होते हैं वहाँ हम ए यूज करते हैं, और अगर वाउल साउंड से शुरू होते हैं तो बेटा हम एन यूज करते हैं. गॉट इट, ये एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं, आई होप आपने फिल कर ली होगी. अब देखिए,
ए और एन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है. ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनेट आर्टिकल. जस्ट कीप इट इन योर माइंड, ए और एन को हम इंडेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो जगह है वो फिक्स नहीं है. कहाँ हम इसको यूज़ करेंगे, ये सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग ही जाना जा सकता है कि हम इसे यहाँ ए यूज़ करेंगे और यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे. दिस मीन्स ए और एन आर यूज व्हेन वी डू नॉट टॉक अबाउट पर्टिकुलर प्लेस और थिंग. ये तो पक्का हो गया कि ए और एन का यूज़ हम जब नहीं करेंगे, जब हम कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर जगह या वस्तु के बारे में बात करेंगे, तब हम ए और एन यूज़ नहीं करेंगे. नाउ सी, ही लिव्स इन अ विलेज. ए विलेज कोई भी विलेज हो सकता है, कोई स्पेशल नेम नहीं है विलेज का, ठीक है. कैन वन गैस इन विच विलेज ही लिव्स. क्या हम पता लगा सकते हैं कौन से विलेज में रहता है वो? सेम वही आपको बता रही थी मैं. नो, इट इज़ नॉट क्लियर. तो ये कोई स्पेशल विलेज नहीं, वह एक गाँव में रहता है. कौन से गाँव में रहता है, वी विल फाइंड आउट वेन वी गिव द नेम. जब हम नेम देंगे तब हमें पता चलेगा, अभी हमें इस सेंटेंस में नहीं पता. तो क्लियर हो गया बेटा आपको? इसीलिए हम ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं. इनकी जगह यूज़ करने की जो है वो निश्चित नहीं है. लेट अस रीड अबाउट द के बारे में हम ये टेबल यूज़ करेंगे, टेबल रीड करेंगे. वी यूज़ द व्हेन वी टॉक और राइट अबाउट थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड. हम द का यूज़ उन वस्तु के लिए करते हैं जो संसार में केवल और केवल एक होती हैं, जैसे कि द सन, द अर्थ, ठीक है. वी यूज़ द विद स्पेशल नेम. कुछ नेम होते हैं ना स्पेशल, जैसे कि द ताजमहल है, द कुतुब मीनार है, ठीक है. वी यूज़ ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम. हम लोग पहले ही बता चुके हैं ए और एन का यूज़ हम तब करते हैं तब हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, जनरल. बट वी टॉक व्हेन वी टॉक अबाउट दोज पर्टिकुलर डेफिनेट थिंग्स अगेन वी यूज़ द. उन्हीं वस्तुओं के बारे में हम दोबारा जब बात करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, अच्छे से देखिए. आई हैव एन ऑरेंज इन माई बास्केट, आई वॉन्ट टू ईट द ऑरेंज नाउ. मेरी बास्केट में जो ऑरेंज है मैं उन ऑरेंज को खाना चाहता हूँ. द ऑरेंज स्पेशल हो गए बेटा. द ऑरेंज का मतलब कौन से ऑरेंज है जो मेरी बास्केट में है. गॉट इट? तो स्पेशल हो गए, उनको हम उसके पहले क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे. मोर अबाउट द, दिस इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल. क्यों? क्योंकि इसकी जो यूज़ करने की जगह है, यानी जहाँ हम इसको यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, पर्टिकुलर प्लेस होगा वो. तो देखो, द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज द इज़ यूज विद अ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और थिंग. गॉट इट? नेक्स्ट, वी डू नॉट यूज़ द बिफोर द नेम ऑफ पीपल. लोगों के नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करते. इस चीज़ को अच्छे से अंडरलाइन कर लें. लोगों के नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करते. वी यूजअली डू नॉट यूज़ द बिफोर नेम्स ऑफ विलेज, टाउन, सिटी और कंट्री. विलेजेस, टाउन, सिटी और कंट्री के नेम से पहले भी हम द का यूज़ नहीं करते. अब हमको ए एन डी का एक्सरसाइज फिल करनी है बेटे. सिर्फ एक्सरसाइज गिवन है आपको, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में फिल कर चुके हैं. ये एक्सरसाइज आप फिल करेंगे अच्छे से, ठीक है बेटे, और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे. आप जब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें. ओके.